नमस्कार, आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज खबर 24। मैं आपके साथ कुसुम मिश्रा। आगे बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर फरीदाबाद से। फरीदाबाद में लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए लगातार अधिकारी 9 से 11 बजे तक एक ही जगह पर बैठकर समाधान कर लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं। फरीदाबाद के डीसी विक्रम यादव भी सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकर 9 बजे से 11 बजे तक लोगों की समस्याओं को मौके पर ही सुनकर उनका समाधान कर रहे हैं। डीसी विक्रम सिंह यादव ने बताया कि अब तक करीब 1600 शिकायत समाधान शिविर में आई हैं। उनमें से 1200 के करीब शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। बची हुई शिकायतों का समाधान भी जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि यदि किसी को भी अपने काम में कोई परेशानी आ रही है तो वह समाधान शिविर में जरूर आ सकते हैं। समाधान शिविर लगाया सर, कितनी शिकायतें अब तक टोटल आई है, कितना का समाधान हुआ, ज्यादातर किस चीज की शिकायत आ रही है? समाधान शिविर डेली फरीदाबाद में हम लगा रहे हैं। इसमें आज तक करीब 1600 के करीब शिकायतें आई हैं, जिसमें से 1200 के ऊपर का जो निवारण हम कर चुके हैं, साथ ही जो बाकी बची है उन पे कार्रवाई चल रही है। इसके साथ ही डेली 9 से 11 बजे तक समाधान शिविर लगता है। सभी डिपार्टमेंट के जो HODs हैं वो यहाँ पे रहते हैं। जो भी कोई कंप्लेंट आता है तो उसकी समस्या का निवारण करने के लिए हम तत्पर हैं, और कोशिश यही होती है कि जो अगर मौके पे भी कोई हो पाए तो मौके पे हम करवाएं, और साथ ही टाइमलाइन आगे डिपार्टमेंट्स को दे दी जाती है तो वो टाइमलाइन के तहत वो आगे कंप्लेंट को रिजोल्व करते हैं। सर, ज़्यादातर शिकायतें किसकी हैं और क्या उनका समाधान भी नियमित रूप से हो रहा है? तो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट की है, क्रिड की भी है, MCF की भी है, बाकी भी है, कई और डिपार्टमेंट की भी है, तो सभी की जो निवारण है उनकी